नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे पे कर सकते हो, और वो भी पंजाब में। तो पंजाब में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है वो कंपनी PSPCL है दोस्तों, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। और इन्होंने अभी ऑनलाइन पोर्टल अपना काफ़ी देर से स्टार्ट किया हुआ है, पर हमारे बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हम ऑनलाइन भी घर बैठे बैठे अपना बिल पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ओपन करते हैं, और इसमें हमने जो वेबसाइट ओपन करनी है वो हम इसमें ओपन करेंगे, ये वाली बिल डेस्क, सॉरी बिल पेमेंट डॉट PSPCL.in। तो ये देखिए, ये है वेबसाइट, ये बिल पे करने के लिए डायरेक्ट वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें आपने अपना अकाउंट नंबर फिल करना है। मैं इसमें अपना अकाउंट नंबर फिल करके दिखा देता हूँ। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आपने शो बिल पे क्लिक करना है। तो शो बिल पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ये आपका जो बिल का आपने अकाउंट नंबर फिल किया है तो उसकी ये करंट डिटेल बता देगा, जैसे इसका रिसिप्ट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, बिल साइकिल कौन सा है, अमाउंट कितनी पेएबल है, और फिर ट्रांजेक्शन डेट भी बताएगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन डेट है, कहाँ कब तक आपने बिल पे करना है, कस्टमर का नेम, सब डिविज़न का नेम, बिल कैटेगरी, ठीक है। तो इसके बाद अमाउंट वर्ड्स में भी आ जाएगी। तो अभी देखिए नीचे एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है, अगर तो आपने बिल ऑलरेडी पे कर दिया है तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा योर बिल हैज़ ऑलरेडी बीन पेड, और अगर आपका बिल अभी पे करने वाला है तो यहाँ पे आपको पे करने का ऑप्शन आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो पे करने का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे का ऑप्शन आएगा फिर आपको, तो वहाँ पे आपने जब क्लिक करोगे तो एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो उस वेबसाइट में आपको क्या ऑप्शन आएगा, उसमें आपको ये बताएगा कि आप किस तरह से पे करना चाहते हैं। और ये देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ, ये एक वेब पेज है, इसमें देखो सारी डिटेल बताई हुई है। देखिए, अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पे करते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पे करने के लिए आपको कोई भी अमाउंट हो चाहे वो आपके उसके चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं, मतलब जो आपका बिल अमाउंट है आपको वो ही, वो तो आएगा ही आएगा, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो 0.82% ऑफ द बिल अमाउंट, ठीक है। तो जितना आपका बिल की अमाउंट होगा इसका 0.82% लगा के जितनी अमाउंट बनेगी वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो 0.69%, अगर आप कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट्स यूज़ करते हो तो ₹3 पर ट्रांजेक्शन, ठीक है। और अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो 0.90% ऑफ द बिल अमाउंट, और वो भी अब 2000 है, और ये अप टू 2000 है। तो इसमें दोस्तों सबसे जो बेनिफिट वाला मेथड है वो तो नेट बैंकिंग का ही है, क्योंकि नेट बैंकिंग में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, तो आप बेफिक्र होकर नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो। और बाकी उन्होंने अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई है, इसे आप रीड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, वैसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, अगर फिर भी आपको आती है तो इन्होंने ईमेल आईडी दी हुई है, अगर आप पेयू गेटवे यूज़ कर सकते हो और बिल डेस्क यूज़ करते हो तो इन्होंने ये आपकी ईमेल आईडी अपनी दी हुई है। वैसे बेस्ट रहता है अगर आप गेटवे बिल डेस्क यूज़ करो, क्योंकि ये मोस्ट प्रेफरेबल गेटवे है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हो। And thanks for watching this video.